स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाला टीवी सीरियल अनुपमा टीआरपी में लगातार टॉप पर बना हुआ है। इस टीवी सीरियल में अदाकारा रूपाली गांगुली अनुपमा के किरदार में अपनी दमदार एक्टिंग से लगातार दर्शकों का दिल जीत रही हैं। अब हाल ही में इस टीवी सीरियल में अनुपमा के बेटे समर की मौत दिखाई गई, जिसमें अनुपमा का किरदार निभाती अदाकारा रूपाली गांगुली की दमदार एक्टिंग ने दर्शकों को हिलाकर रख दिया है। अदाकारा रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे ने लेटेस्ट एपिसोड में अपनी शानदार एक्टिंग से हर किसी को दीवाना कर दिया है, जिसके बाद लोग जमकर इन दोनों सितारों की सोशल मीडिया पर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई इंटरनेट यूजर ने अनुपमा शो को देखने के बाद अपनी राय सोशल मीडिया पर रखी है। एक यूजर ने अदाकारा रूपाली गांगुली की एक्टिंग पर कमेंट करते हुए लिखा, रूपाली गांगुली इमोशनल सीन्स की रानी है, लेकिन आज का सीन कुछ अलग ही था। उन्होंने अपना पूरा दिल और आत्मा निकालकर रख दी, जो हमेशा के लिए असर छोड़ गई। वो वाकई गौरव, सुधांशु समेत सभी कलाकारों को आगे बढ़ाने वाली ड्राइविंग फोर्स रही हैं। तो एक ने लिखा, ये कितना रियल था, रोंगटे खड़े कर देने वाला पल, जिसे देख कोई भी रो पड़ेगा। रूपाली गांगुली, आपने आत्मा इस सीन को दे दी अनुपमा, और ये सीन है जो हमें अनु के हर इमोशन से कनेक्ट करता है। वहीं एक ने लिखा, इसे देखा और नॉर्मल होने में थोड़ा समय लगेगा। एक तो रूपाली गांगुली का प्रदर्शन, ऊपर से चिट्ठी ना कोई संदेश गाना बजना। मैं कहना चाहता हूं रूपाली, आपने अपने पिछले सेट किए गए बेंचमार्क को पार कर लिया है और अपने लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया है। क्या कलाकार हैं, आपकी और आपकी कला को सम्मान। वहीं एक ने लिखा, रूपाली गांगुली आज आपने एक बार फिर साबित कर दिया कि इमोशनल सीन्स में भी कोई आपसे शर्त नहीं लगा सकता। यही वजह है कि आप हर अद्भुत पुरस्कार के हकदार हैं। और सुधांशु पांडे को कहना होगा कि आप भी इतने अच्छे हैं, लेकिन इस दुख के समय में अनुपमा पर मत चिल्लाओ। वहीं एक ने लिखा, टुडे प्रोमो मान, कुछ भी हो जाए मान को अलग मत करो डीकेपी प्लीज। वहीं एक ने लिखा, नहीं नहीं नहीं, कैसे कर सकते हो डीकेपी मेरी अनु के साथ ऐसा, एक यही रिश्ता है जो अनु को सबसे ज़्यादा समझता है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, कैसी रहेगी मेरी अनु समर के बिना, नहीं देखा जाएगा मुझसे, सुबह से ही रोना आ रहा है, अब ये कैप्शन पढ़ के रो रही हूँ। वहीं एक ने लिखा, रॉकस्टार और बकुड़ा बंड को हमेशा मिस करते रहेंगे। वहीं एक ने लिखा, रॉकस्टार और बकुड़ा बंड को हमेशा मिस करते रहेंगे। इसी बीच यह रिपोर्ट्स है कि आने वाले दिनों में अनुपमा और अनुज के रिश्ते पर समर की मौत का बड़ा असर पड़ेगा। वनराज शाह समर की मौत के लिए अनुज को जिम्मेदार ठहराएगा, जिससे अनुपमा अनुज के रिश्ते में दरार पड़ती दिखेगी। वहीं अनुपमा इस बड़े झटके से बुरी तरह टूट जाने वाली है। आने वाले शो में अनुपमा की जिंदगी एक बार फिर बड़ी मुश्किलों में घिरती दिखेगी। तो क्या आप रूपाली गांगुली के शो अनुपमा के आने वाले एपिसोड को लेकर एक्साइटेड हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अपडेट के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।